Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, colonialism and countryside. Our next topic is credits drive and the experience of injustice. आपने लास्ट टॉपिक ने पढ़ा कि कॉटन बूम्स इंडिया के अंदर कैसे आता है, कैसे क्या है, अमेरिकन सिविल वार्स के कारण क्या है, इंडिया में कॉटन की डिमांड्स बढ़ जाती है, हाई रेट्स हो जाते हैं उसके, जिसके कारण काफ़ी लोग क्या है लोन्स वगैरह ले लेते हैं, जो पीसेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो काफ़ी बड़ा लोन ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे कि 1865 में ही क्या है उनकी कीमतें बिल्कुल कम हो जाती है, और वो लगातार इस तरह से क्या है जो लोन्स था और वो जो इंटरेस्ट था उसके डेब्ट के नीचे, उसके ऋण के नीचे लगातार दबते चले जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ रीज़न ये नहीं था कि कॉटन की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी थी, लेकिन इसके पीछे काफ़ी रीजन्स थे, जैसे कि जो मनी लेंडर्स थे वो उनके साथ हेरा फेरी करते थे, वो उनके साथ इनजस्टिस करते थे, और जो अंग्रेज़ों के बॉन्ड वगैरह का उन्होंने जो लाभ बनाया था वो भी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनका रीजन्स था कि उनको क्या है लगातार डेब्ट के नीचे चला जाना, मतलब रन के नीचे दबे चला जाना। तो इस तरह से इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट्स कैसे मतलब ड्राइव से हुए और एक्सपीरियंस उनका इनजस्टिस कैसे रहा, मतलब कि कैसे उन्होंने अन्याय को सहा था। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ही क्या है हम मेनली बात करें कि महाराष्ट्र की, आज महाराष्ट्र भी कह सकते हैं, आप यहाँ पर बॉम्बे भी यूज़ कर सकते हो, कि बॉम्बे या महाराष्ट्र के जो मर्चेंट है वो आने वाली गिरावटों के कारण क्या है धीरे धीरे जैसे जैसे क्या है डिमांड कम होती चली जाती है किसकी, कॉटन की, तो वो क्या किससे मना कर देते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए क्या है मना करने लग जाते हैं, वो डिसलाइन कर देते हैं इस तरह का मतलब लोन्स वगैरह देना। तो रैत कम्युनिटी बिकम्स वेरी एंगर, इससे क्या है जो किसान होते हैं वो काफ़ी नाराज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ऋण का पहले ही वजन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनको पहले जब कीमतें बहुत ज़्यादा थी तो भी उनको कीमतें नहीं मिली थी फसल की, औने पौने दामों के अंदर क्या है उनकी जो हार्वेस्टिंग की जा रही थी वो उनके द्वारा वो सारी की सारी बिल्कुल कम कीमत लो प्राइजेस के ऊपर ली जा रही थी, तो इसलिए उनको कोई बेनिफिट ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन अब उनको जो डेब्ट वो ले रहे थे, ऋण वो ले रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा था, इसके कारण वो उनसे एंगर हो जाते हैं और दे वर डिनाइड ऑफ लोन्स बाय द मनी लेंडर्स, इससे वह क्या है वो मनी लेंडर्स के ऋण के नीचे लगातार क्या है धंसते जा रहे थे, अथवा कि उनका जीवन यापन भी क्या है पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर हो रहा था, मनी लेंडर्स के ऊपर हो रहा था, यानी मनी लेंडर चाहता तो वो जीवन जी सकते थे, नहीं तो वो सुसाइड्स वगैरह या जो सिचुएशन आई थी जैसे कि लेट किया था उन्होंने तो वो सिचुएशन आनी ही आनी थी। तो इस तरह से उनकी कंडीशन बिल्कुल मिजरेबल हो चुकी थी। मनी लैंडर्स वर आल्सो डिसओबेइंग द ट्रेडिशन कस्टम एंड रूल्स ऑफ द रूरल एरिया, तो जो मनी लैंडर्स थे वो रूरल एरिया में के अंदर क्या है लगातार जो पुराने रीति रिवाज थे उनके ट्रेडिशनल कस्टम से उनको लगातार डिसओबेइंग करते जा रहे थे। तो ये कंडीशन थी, इससे क्या है हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि उनके क्रेडिट्स कैसे मतलब ऋण लगातार कैसे बढ़ते चले गए। तो इसके दो रीजंस थे, एक तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होना और दूसरा क्या, इंटरेस्ट का मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे कमीशन बैठता है अंग्रेज़ों के द्वारा तो वो बताता है कि 100 रुपीज़ के ऊपर 2000 रुपीज़ तक का क्या इंटरेस्ट बनाया गया था। दूसरा क्या है कॉटन बूम भी उसका रीजन है, मतलब इसके कारण क्या है एक बार वैल्यू बढ़ जाना और फिर क्या उसकी कम हो जाना, जिसके कारण क्या है वो लगातार लोन के कारण नीचे चली गई। तीसरा रीज़न उसका हम डेविसनेस ऑफ द मनी लेंडर्स, यानी मनी लेंडर्स उनके साथ हेरा फेरी भी कर रहे थे, काफ़ी हेरा फेरी कर रहे थे। कैसे, द प्रोसेस ऑफ मनी लैंडिंग वॉज डेफिनेटली वाइड स्प्रेड इवन बिफोर द कॉलोनिकल, मतलब कि ये क्या है एक व्यवसाय बना चुके थे, मनी लैंडिंग क्या बन चुका था एक व्यवसाय बन चुका था कॉलोनिकल के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है जो मनी लैंडर्स थे वो काफ़ी शक्तिशाली लोग होते थे, मतलब काफ़ी पावरफुल लोग होते थे। ए नंबर ऑफ कस्टमरी नॉन्स वर देयर बिटवीन द रिलेशन ऑफ द मनी लैंडर्स ऑफ द रेत एंड द नॉन्स वर रेगुलेटिंग देयर रिलेशन, तो मतलब उनके कई प्रकार के ऐसे मतलब ये कह सकते कि मानक हिंदी के अंदर जो मनी लैंडर्स और जो रेत थे उनके बीच में रिलेशनशिप के ऊपर लागू होते थे। तो वो दोनों की उनका उद्देश्य होता था कि जो मनी लैंडर्स हैं उनके द्वारा जो वसूली की जा रही है उसको सीमित करना या उसके ऊपर एक मतलब अच्छा ब्याज होना चाहिए, एक प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब वो इंटरेस्ट का चार्ज काफ़ी हद तक क्या अच्छा करेंगे। कहने का मतलब कि बड़े बड़े साहूकार वो मनी लैंडर्स होते थे कि एक पीसेंट्स की या किसान की ये औकात नहीं होती थी कि वो उनको क्या है मना कर दे किसी भी तरह के ऋण के लिए।
तो वो अगर मना भी कर देता तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी जैसे कि उसकी ज़मीन होती थी या जो भी होती थी वो क्या छीन ली जाती थी या उनको दास बना लिया जाता था। तो दिस नोट्स वॉज मेड टू लिमिट द एक्सचेंज ऑफ मनी लैंड्स एंड टू डिफाइन द टर्म ऑफ द फेयर इंटरेस्ट, यानी उचित ब्याज का होना उनके लिए क्या था, जरूरी था। बट द नॉम्स वॉज जर्नली वोलेटेड बाय द मनी, तो लेकिन जो नॉम्स होते थे, कंडीशन होती थी, वो सारी की किसके लिए थी, किसके फेवर में थी, मनी लैंडर्स के फेवर में थी। और कॉलोनिकल रूल के दौरान, यानी उपनिवेशिक, यानी अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि मनी लैंडर्स क्या है उसको ना दे, बल्कि वो कंडीशन तो लगा रहे थे, कुछ नियम बना रहे थे, लेकिन फिर भी क्या है, वो किसके फेवर में थे, मनी लैंडर्स के फेवर में। इन वन ऑफ द केस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने बताया कि बाद में जब क्या है कमीशन बैठाया गया था, तो उस कमीशन अगर एक बताता है तो वो इन्वेस्ट करता है तो बताता है कि मनी लैंडर्स चार्ज मोर देन 2000 ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज़ के मूलधन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर क्या है 2000 तक का क्या है इंटरेस्ट गेन कर रहे थे। तो इस तरह से क्या है, रेत गेव नंबर ऑफ द पेटिशन एंड कंप्लेंट्स अबाउट इनजस्टिस ऑफ सच एक्सटेंशन एंड द वोल्यूशन ऑफ द ट्रेडिशन आउटकम। तो रेत लोगों ने इस प्रकार की, मतलब उनसे जबरन वसूलियां की जा रही थी, एक तरह से वसूली कर रहे थे कि आपने थोड़ा सा पैसा तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर, उस प्रिंसिपल्स के ऊपर लगातार इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा था कि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक वो क्या है पैसा देते ही रहते थे, तो भी उनका जो डेब्ट था वो नहीं जा रहा था। और इसके अंदर क्या है, वो जो नियम बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, या पुरानी ट्रेडिशनल जो चलते आ रहे थे, वो उन सभी की क्या है लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे थे। कौन ये सारे के सारे जो मनी लेंडर्स थे। नेक्स्ट है पीसेंट्स। इस टॉपिक को आप क्या है नया नाम भी दे सकते हो, लिमिटेशन ऑफ ला, यानी अंग्रेजों ने एक कानून, द ब्रिटिश ने एक कानून पास किया गया था जिसको लिमिटेशन ला के नाम दिया गया था, जिसके अंदर कंडीशन रखी गई थी, लेकिन उस ला को भी उन्होंने मनी लेंडर्स ने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया था, यानी उसके फेवर में ही क्या वो चला गया था। तो वो कैसा था, तो इसको अलग टॉपिक भी लिख सकते हो, इसके अंदर लिमिटेशन ला के बारे में पूछा जाए 2 मार्क्स वगैरह में, तो ये लिख सकते हो। पीसेंट्स कम टू सी ए मनी लैंडर्स एट डिलाइटफुल एडीवीएसएस। तो किसान क्या है धीरे धीरे क्या है उनकी धोखेबाजी को कह सकते हो, हेरा फेरी को कह सकते हो, समझने लगे थे। तो दे कंप्लेंट, उन्होंने मनी लैंडर्स की क्या है कंप्लेंट की थी कि वो क्या है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अंदर क्या है धूल झोंक रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो द ब्रिटिश पार्टी पास ए लिमिटेशन ला इन द 1859। तो उन्होंने क्या है 1859 के अंदर क्या है एक लिमिटेशन ला पास किया, ठीक है, एक कानून बनाया जिसका नाम रखा था परिसीमन कानून या लिमिटेशन रा, सेटल दैट द बॉन्ड ऑफ द लोन साइंड बिटवीन द मनी लैंडर्स एंड रेत। तो उसमें कहा गया कि रेत, किसान और मनी लैंडर्स के बीच में दो बॉन्ड पास होगा, एक मतलब एक ऋण पत्र होगा, एक जिस तरह से आप एफिडेविट कह सकते हो, एक एफिडेविट होगा जो 3 साल के लिए मान्य होगा, यानी कि 3 साल से ज़्यादा टर्म के लिए वो ब्याज के ऊपर पैसा नहीं दे सकते। अगर वो 3 साल में वापस लेते हैं तो ठीक है, नहीं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म माना जाएगा। लेकिन मनी लेंडर्स ने क्या है इसको भी अपने अकॉर्डिंग मोड़ लिया, जैसे कि एग्जांपल के लिए वो उन्होंने 100 रुपये दे दिए, उसके ऊपर 300 रुपये उन्होंने ब्याज बना दिया 3 साल के अंदर, ठीक है, 300 उसके इंटरेस्ट बनने के बाद क्या है 400। 3 साल के बाद वो नया बॉन्ड तैयार कर देते थे जिसके अंदर वो क्या प्रिंसिपली 400 लिख देते थे, यानी कि उन्होंने क्या प्रिंसिपल आज की डेट में क्या 400 दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से उन्होंने इस ला को भी क्या अपने अकॉर्डिंग डाल दिया। और किसान ज़्यादातर क्या उस टाइम बिल्कुल भी पढ़े लिखे इलिटरेट थे ना, उनको क्या पैसे का पता था कि कितना पैसा उन्होंने लिया है, क्या उसमें लिखा है बॉन्ड्स में, क्या नहीं लिखा, तो वो या तो क्या है अंगूठे का निशान या साइन दोनों दे रखे हैं वैसे तो करते थे, तो उनको उस बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता था। तो जो किसान था उन्होंने उस बॉन्ड्स को भी अपना एक रीज़न मान लिया था कि ये बॉन्ड्स भी क्या है हमारे लिए एक तरह से क्या है मुसीबत है। तो ये कह सकते हैं इन द प्रिसिड सबमिशन ऑफ द रेत ऑफ डेक्कन रेत कमीशन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ दिस प्रोसेस वर्किंग एंड हाउ डिफरेंट मेथड ऑफ द यूज ऑफ द मनी लैंडर्स ऑफ दियर। तो अब क्या है मूलधन नए सिरे से शुरू होता था, तो जैसे ही क्या है दक्कन दंगा रिपोर्ट जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो 76 में दंगों के बाद बनाया गया था कमीशन, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अनेक तरह के मतलब हथकंडे अपनाते थे मनी लैंडर्स उनसे लेने के लिए या पैसे अपनाने वापिस लेने के लिए, जैसे कि रियोत वर नॉट गिवन एनी रिसिप्ट, उनको किसी तरह की पेमेंट की रिसिप्ट ही नहीं दी जाती थी कि वो रिसिप्ट क्या है वो वहाँ से क्या है कैसे लेंगे, उस तरह की क्या है रिसिप्ट नहीं दी जाती थी। इसके अलावा क्या है मनी लैंडर एंटर फ्रिक्शन फिगर्स इन द बॉन्ड्स, यानी वो क्या करते थे
कि जो आंकड़े उसमें क्या है, डाटा वगैरह होता है, वो मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर देते हैं। ये कह सकते हैं कि जाली डाटा, यानी फिटिशियस फिगर्स उसके अंदर क्या है भर देते थे, मतलब जिसका कोई लेना देना ही नहीं था उसके। मनी लेंडर्स यूज ये बाय पीसेंट हार्वेस्टिंग एट लो, उनकी जो फसल होती थी वो बिल्कुल कम कीमत पे खरीदते थे, और अगर क्या है उनका पैसा पूरा नहीं होता था वो उनकी प्रॉपर्टी भी छीन लेते थे। इसके अलावा मनी लेंडर्स क्या थे, उनको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी साइन करवा लेते थे कि अगर ये ऋण हम नहीं दे पाते 3 साल के अंदर तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उनके नेम वगैरह हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है बॉन्ड्स के अंदर क्या लिखा था वो भी एक्सप्लेन नहीं करते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन आ चुकी थी, ये इस तरह के हथकंडे अपनाते थे। तो इस तरह से क्या है रियोत उनसे एंगर होते चले गए किसान, तो इनके रीजंस क्या थे, वही बातें देखिए दोबारा रिपीट है कि क्यों उनसे क्या है लगातार किसान क्या है मनी लेंडर से नाराज होते चले गए, उनके अगेंस्ट होते चले गए। तो वो है फर्स्ट है मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू एक्सटेंड लोन टू रियोत, कि जैसे ही क्या है ऋण से उन्होंने इनकार कर दिया, सबसे पहले उन्होंने इनकार किया था तो किसानों को लगता है कि वो अब क्या होंगे हैं मनी लेंडर से इंसेंटिव हो गए उनके प्रति, तो इसलिए क्या है वो उनकी मिजरेबल कंडीशन को नहीं समझ रहे, इसलिए भी वो उनके खिलाफ हुए फर्स्ट। तो दूसरा इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते थे, यानी ट्रेडिशनल जो कस्टमरी चल रही थी उसको क्या है उन्होंने तोड़ दिया था, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है 100 रुपीज़ के ऊपर 2000 का। तो नेक्स्ट है अनपेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज आल्सो बीइंग इंक्लूड इन द न्यू लोन्स। तीसरा क्या है वो क्या है जब नया लोन लेते थे उसमें पुराने का ब्याज वगैरह सब कुछ जोड़ देते थे वो, तो उनका अमाउंट क्या है काफ़ी हाई बन जाता था, जिससे क्या है आने वाली जनरेशन भी उसका पूरा नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट है नो रिसिप्ट वाज गिवन टू पीसेंट इन केस ऑफ द, अगर क्या है वो लोन को रीपेमेंट करते थे तो भी उनको रिसिप्ट नहीं जाती थी। रेत आल्सो कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर्स मैनिपुलेटिंग लॉ एंड फॉरगेट अकाउंट, तो वो क्या है जो नए बॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते थे या कानून होते थे वो क्या है उसके शिकंजे से भी बचा रहे थे, ताकि अपने आप को ताकि उनकी किसी तरह की राशि न डूबे, जैसे मैंने बताया कि वो 3 साल के बाद दोबारा नया बॉन्ड बना देते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे रीजंस आप लिख सकते हो, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन में आ चुका है कि इस तरह के रीजंस थे जिससे अगेंस्ट हो चुके और उन्होंने रिवोल्ट किया था। ओके थैंक यू।